हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। लॉकडाउन में रामानंद सागर का श्री कृष्ण धारावाहिक फिर से टेलीकास्ट किया जा रहा है। शो के सभी किरदारों को दर्शकों ने सालों पहले बहुत ही प्यार दिया था। टीवी धारावाहिक श्री कृष्ण के मुख्य कलाकारों में से एक एक्टर थे मुगल नाग, जिन्होंने शो में सुदामा के रोल को जीवंत किया था। जानते हैं आज उनके बारे में। मुगल नाग ने श्री कृष्ण में सुदामा का रोल कर वाही वाही लूटी थी। मुगल नाग ने रामानंद सागर के शो साईं बाबा में भी काम किया था। वे साईं बाबा बने थे। साईं बाबा का रोल मिलने पर एक इंटरव्यू में मुगल नाग ने कहा था, रामानंद सागर ने साईं बाबा का रोल करने से पहले मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे इस रोल की प्लानिंग करोगे। मैंने जवाब दिया कि मैं अपना काम पूरी श्रद्धा के साथ करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही इस रोल को करोगे। मुगल नाग जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बेस्ट एक्ट्रेस में से एक थे। श्री कृष्ण में मुगल ने सुदामा और अश्वत्थामा का रोल किया था। मुगल का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम अमित नाग प्रोडक्शन है। मुगल, अपहरण, सत्ता, कंपनी, मस्त, फैटम, गंगाजल जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वे फिल्म भगत सिंह में चंद्रशेखर आजाद का भी रोल कर चुके हैं। मुगल ने हर रोल में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वे हर रोल में जमे हैं। इस बार उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया है। मुगल ने अपने करियर में यूं तो कई रोल किए, लेकिन उन्हें सुदामा और साईं बाबा के रोल ने घर घर में लोकप्रियता दिलवाई। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना श्री कृष्ण में सुदामा का रोल करने वाले मुगल नाग जी के बारे में। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण में सुदामा जी का रोल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और नए रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।